मेरे साथ में झूठ बोल के मेरे से शादी किया। वो मुस्लिम है, बोला मैं कि राजेश यादव हूँ, रो नंबर से बात हुई हम लोग की, 2 दिन बात हुई। फिर उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दी मोबाइल। मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद चार्जिंग की, मोबाइल चार्जिंग करने के बाद फिर पहला फुसला के मुझे लखनऊ तक बुला के लेके गया। लखनऊ से मैं अकेले गई, लखनऊ से फिर उधर से लेके गया मुझे। और फिर उधर पे मुझे गया बलरामपुर जिला पे, अपनी साली के पास लेके गया। उधर मुझसे झूठ बोल के शादी किया कि मैं राजेश यादव हूँ। फिर उसके बाद मुझे उसके 3 साथी हो चुके थे पहले से, एक लड़की भी थी, मुझे नहीं मालूम था। बच्चा हो गया मुझे तब मालूम चला कि हाँ उसकी लड़की भी है, आज 3 शादी की है। और फिर मुझे इधर से लेके गया, मारता पीटता था, गाली देता था, मांस वगैरह खाने के लिए बोलता था मुस्लिम हो जाओ, मुस्लिम के हर रिवाज बोलने करने के लिए बोलता था मुझे, नहीं करती थी उसके लिए मुझे मारता था। कैसे संपर्क में आया था, कैसे बातचीत हुई आपकी? मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से पढ़ने के लिए आ रही थी स्कूल से, तो मुझे उसको मैदान हम लोग के इधर, तो घर पे मोबाइल पड़ा था, तो मोबाइल मैं उठाई, मोबाइल लेके घर पे गई। फिर मोबाइल मैंने सिम निकाल के रख दी उसका, तो फिर मैंने एक सिम निकाली। सिम निकालने के बाद फिर वो रोम, उसमें से एक रोम नंबर आया। रोम नंबर में बोला कि मैं राजेश यादव हूँ। उसमें से बहलाने फसलाने में बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे साथ चलेगी तो मैं बहुत तुमको हर चीज़ करूँगा, उसमें रखूँगा। राजेश तो कहाँ का रहने वाला है? बलरामपुर जिला का है। आप कहाँ के रहने वाले? मोदा का। राजेश नहीं है, वो अब्दुल मुबीन है, उसने झूठ बोल के नाम बोला था मुझे। तो कहाँ का रहने वाला? बलरामपुर जिला का है। आप कहाँ के रहने वाले? मोदा की। कितने साल पहले का मामला है? ये चार साल हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी आ जाएगी। तो फिर आपने क्या किया इसके बाद? फिर आपको क्या छोड़ दिया है या साथ में? नहीं छोड़ने दिया, उसका साथ में छोड़ के खुद आई हूँ। वो मुझे बेचने की धमकी देता था, मारता भी था। मैं अपना पूजा वगैरह करती थी तो वो नहीं करने देता था, अपना दिन इस्लाम बताता था मुझे, नहीं करती थी वो भी मारता था। मांस वगैरह सब कुछ खिलाने की कोशिश करता था, खिलाता था, मारता था, नहीं खाती थी तो वो आने के लिए इधर बोलती थी, अपने माँ बाप के इधर तो नहीं आने देता था, उसके लिए मारता था। दरवाज़ा बंद करके चला जाता काम पे, जब शाम को आता तब दरवाज़ा खोलता, कैसे भी कैसे करके निकल के मैं आई मुंबई से आई हूँ, बेचने की धमकी दिया करता था। मुंबई कैसे पहुँचे? लेके गया था साथ में। किस लिए? रहने के लिए। तो यहाँ आप लोगों ने फिर किससे संपर्क किया? संपर्क किसी से? शिकायत करने के लिए। शिकायत करने के लिए किससे किया? अपने माँ बाप से। मैं अपने मौदहा कोतवाली अंतर्गत एक महिला द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 4 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, जिससे शादी हुआ उसने अपने को हिंदू बताया करके शादी किया था। इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसमें अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर उस पर बताया जिस तरीके से आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती जो है मांस और इस तरीके की जो है चीज़ें और पूजा पाठ से भी उसको रोका जाता था, हर पहलू की इसमें गंभीरतापूर्वक छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 4 शादियों के सर मामला है इसमें, कहें 4थी शादी इसने की थी किस तरह से? जांच के दौरान जितने भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।